मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं सूंघ रहा, इसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है जो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। मतलब एक बार तुम लोगों ने इसको सूंघ लिया, बाकी फिर कहीं पे भी ये पाव अगर बन रहा है, जो बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है मुंबई में चारों तरफ फैली पड़ी, क्योंकि इसका बिजनेस इज सो गुड, इसलिए पाव इज अ शक्ति। पाव के बिजनेस के लिए उन सारे सुरेश को मार सकता है। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं पाव से बनने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको खाने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। फर्स्ट वड़ा पाव मैंने अपने जन्म के पहले खाया था, और उसके बाद उसके बीच में मैं बताने दूंगा तुम लोगों को ये स्टोरी क्या है कि मैंने पाव कैसे खाया अपने बॉर्न होने से भी पहले। लेट्स फाइंड आउट। तो वड़ा पाव के लिए हम लोगों को चाहिए, और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है बेसन, जो काबे बेसन, और उसके साथ हम लोगों को चाहिए कैसे दिखाऊं मैं, ये धनिया, उसके ये ग्रेविटी, आई हेट दिस ग्रेविटी, गजब बेइज्जती है। स्पेशल मुंबई वाला पाव, मैं मुंबई वाला पाव इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ये पाव मिलता नहीं है, ये सबसे ज्यादा अनहेल्दी और सबसे ज्यादा इसमें ईस्ट वगैरह यूज किया जाता है। सो इट्स लाइक अनहेल्दी, पर असली मजा अनहेल्दी में ही है यार। मतलब हेल्दी चीजें खा के क्या ही होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला। वो बोलते हैं ना कि पानी पूरी वाले का, जब तक वो भैया जी का पसीना नहीं गिरता ना वो पानी पूरी के पानी के अंदर, तब तक उसका वो असली मजा नहीं आता। ये क्या बात करता है यार, सच्ची बात है यार, सच्ची बात है। किसको स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है, सबको पसंद है। सो वैसे ही ये काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड वालों का ही हमारे यहाँ पे ऐसा ही पाव मिलता है। तो अगर तुम लोगों को मिलता है तो एटली कूल। मैं एक बार कोल्हापुर वगैरह गया था तो वहां पे भी ये पाव मिलता नहीं है, तो ये स्पेशली मुंबई वालों का पाव है, और इससे ही यही असली शक्ति है और यही असली पावर है। हम लोग को मिर्ची चाहिए एज ऑलवेज, मेरी रेसिपी में मिर्ची नहीं, मतलब मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हम लोग को ये चाहिए लहसुन, और उसके बाद ये है, इसको मैंने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, अरे वो ये गार्लिक, जिंजर गार्लिक। अब इसमें से जिंजर कौन सा है और गार्लिक कौन सा है वो डिसाइड कर लो तुम लोग, पर छोटे छोटे टुकड़े चाहिए हम लोगों को। उसके बाद ये नमक है, मेरी मम्मी ने, छोटो मेरी मम्मी, मेरी माँ, माँ है बेटा, माँ माँ है। और उसके बाद ये चीज जिसको कीमत नहीं होती, ये बेचारा बहुत रोता है यार, इसको बहुत बहुत ही रोना आता है यार इसको, इसका कुछ कीमत ही नहीं है भाई। ये धनिया के साथ ये फुकट में आता है, इसका भी नाम मैं भूल गया, धनिया, पुदीना, पुदीना नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता, इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, हाँ कड़ी पत्ता। और ये तो धनिया, धनिया इज वेरी एक्सपेंसिव और इसको बेचारे को कीमत नहीं है, इसलिए हमारे पास भी एक्स्ट्रा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी मैंने बॉइल करके रखा है, पर जब तुम लोगों को वड़ा पाव बनाना होगा, मतलब जब बनाना प्रोसीजर तुम लोग स्टार्ट करोगे ना, तब इसको सिर्फ ऐसे उठाने का और गर्म पानी के अंदर ऐसे डुबा के रखने का, इससे एक्चुअली वो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो गर्म पानी में डालो, इससे थोड़ा सा वो ऐसे मुलायम हो जाता है। अगर ठंडा करोगे ना, तो जब हम लोग बनाएंगे ना वड़ा पाव, मतलब गर्म करेंगे ना हम लोग जब वड़ा पाव, तब वो बहुत ही ज्यादा अंदर से ठंडा रह जाता है और बाहर से गर्म होता है। तो इसके पीछे का साइंस तो मुझे पता नहीं, पर ऐसे करो, पानी के अंदर हाथ भी डाल सकता हूँ, इस लाइक का गुनगुना पानी, यस दिस इज गुनगुना पानी। और उसके साथ ये बेसन, इसका भी बहुत ज्यादा यूज करना है। पहले हम लोग शायद बेसन का ही बैटर बना देते हैं, उसके बाद हम लोग को ठेचा बनाना है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर मिर्च काट के नहीं डालेंगे, हम लोग मिर्च का ठेचा बनाएंगे इसके साथ। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा ऑसम वाला कॉम्बिनेशन। सो वो कॉम्बिनेशन हम लोगों को करना है। और पाव तो तुम लोग पता ही है, और चटनी मेरे पास ग्रीन है, एक्चुअली लाल चटनी भी होती है जो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, पर लाल चटनी के लिए हमारे पास, मतलब मुझे नहीं आती सच्ची, मुझे लाल चटनी नहीं आती। तो पहली बात तो अपने को ये मांगता है, बिकॉज अपने को ठाकुक ठाकुक करने का है, चार डाल देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तीखा लगेगा। सो अभी मैं इसको ठोकता हूँ, और अभी देखो थोड़ा सा मैजिक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है दुकानों में, कि ये जो ठेचा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे नमक डालने का, थोड़ा सा, यानी एक्चुअली कोल्हापुर जहाँ पे ठेचा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बेसन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे बाबा। ये क्या, और एक बेसन, ये क्या, और एक बेसन, पता नहीं एक्स्ट्रा हो गया तो तुम लोग इससे भजी भी बना सकते हो, भजी इज गुड, थोड़ा सा पॉइंट, और उसके बाद दपाटा बेबी ट्रा वाला, वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे कुंजवियार करके एक है, उनका थोड़ा सा बहुत बैटर जो होता है ना, आउटर कवरिंग, वो बहुत ज्यादा मोटा मोटा सा होता है, पर वो भी अच्छा ही लगता है अगर गरम गरम खाए तो।
पर अगर तुम लोग गरम नहीं खाने वाले हो तो इट्स लाइक तुम लोगों को पतला बनाना इज गुड आइडिया एज ऑलवेज. पतला बनाना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. मोटा बन भी गया तो फटाक से कंज्यूम कर देना. अगर मोटा नहीं बना पतला बना तो तुम लोग आराम से इसको ठंडा करके मजे में एकदम खा सकते हो जब भी तुम लोगों को खाना है. मूवी भी लगा के मूवी देखने के लिए जितना टाइम नहीं लगता ना उतना ज्यादा मूवी सिलेक्ट करने में लगता है मुझे और पापा को एक्चुअली. तो हमारे लिए ऐसे ही होता है कि हम लोग कुछ बना रहे हैं पॉपकॉर्न वो पॉपकॉर्न ठंडा हो जाता है मूवी के पहले अगर बनाया तो. या फिर कभी कभी मूवी शुरू होने के पहले ही पॉपकॉर्न खत्म हो जाता है. ये हुआ है तुम लोगों के साथ? लेट मी नो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है. थोड़ा सा हल्दी बिकॉज येल्लो येल्लो सा आना चाहिए. ज्यादा हल्दी मत डाला नहीं तो थोड़ा सा काला काला हो जाता है वो. बहुत ज्यादा ऑप्शनल है कि तुम लोग इसके अंदर डाल सकते हो बेकिंग पाउडर. तो मैं इतना सा डाल रहा हूँ. देखो मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर भी नमक डालना जरूरी है ना. तो इसके अंदर नमक नहीं डालोगे तो आउटर कवरिंग को फ्लेवर ही नहीं आएगा. इसके अंदर मस्त सा नमक डालो. कोथिंबीर को चॉप 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 चॉप. लुक एट दिस, मैंने नाखून कट दिया. नाखून कटा इसलिए खून नहीं आया नहीं तो खून आ जाता यहाँ पे. कट दिस, कोमट कोमट हो चुके हैं. कोमट कोमट को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं अभी हिंदी में. ये मराठी वाले लोगों बता दो हिंदी वालों में क्या बोलते हैं. कोमट कोमट हो गए हैं अभी. नहीं तो पूरा मैश कर दोगे, बनाने जाओगे वड़ा पाव और बन जाएगा पाव भाजी भाई. नाखून नहीं है मुझे. तुम लोगों का इतना टेंशन देते हो तुम लोग कमेंट कर करके गंदे गंदे कि भाई टेंशन के मारे सारे नाखून खा जाता हूं मैं. मैंने एक बार ना फ्रिज में से डायरेक्टली बटाटे निकाल दिए थे और मैंने वड़ा पाव बना दिया था. तो और मेरा वड़ा पाव का आउटर कवरिंग बन गया पूरा और अंदर से वो ठंडा ठंडा रह गया था. तो वो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था. तो वैसे इसलिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा गर्म पानी में रखो उबालने के बाद. या फिर जैसे ही तुम लोग उबाल के हो गया तुम लोगों का बटाटा उसके बाद ही डायरेक्टली यूज करना चालू करना. क्योंकि मेरा स्कूल के बाजू में एक वड़ा पाव वाला था ना वो बंदा डायरेक्टली गरम गरम एकदम निकालता था कुकर में से उबले हुए बटाटे और डायरेक्टली स्मैश करना चालू कर देता हाथों से. सो इट वॉज लाइक अ सुपर रिस्की काम. पर तुम लोग करना चाहते हो तो करो, दैट विल बी ऑसम. अगर तुम लोगों के अंदर फायर पावर है या फिर कुछ और. और थोड़ा सा मैश करना है, ज्यादा मैश नहीं करना है. एक टुकड़ा लेने का उसके दो टुकड़े करने के, एक टुकड़ा लेने का उसके दो टुकड़े करने के, सिंपल. ज्यादा मैश मत करो नहीं तो बहुत ज्यादा वो पाव भाजी जैसा हो जाएगा. पाव भाजी हम लोग बनाएंगे पर 500 आधा किलो सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग करेंगे. अभी मैंने ठेचा डाल दिया इसके अंदर. लुक एट दिस, ठेचा इज डन, कोथिंबीर इज डन, नमक बाकी है और इसको तड़का मारना बाकी है. अगर तुम लोग को तड़का मारना स्टार्टिंग में करना है तो वो भी कर सकते हो, लाइक बटाटे की सब्जी बना सकते हो. पर मेरे एक्चुअली जहाँ पे मैं स्कूल में जाता था जहाँ का वड़ा पाव मैंने सबसे ज्यादा खाया है उनके यहाँ पे वो तड़का ऊपर से डालते थे थोड़ा सा ही. तो मैं वैसे करने वाला हूँ. सो वो प्रोसीजर बहुत इजी है. मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ तुम लोगों को पता ही है. सो हम ऐसा आलसियत में करेगा. सो अभी तड़का मारना का शुरुआत किया जाए. पहले इसको सुखाना पड़ेगा क्योंकि ये गीला है. अरे देवा पांडुरंगा, लाइटर. जिंदगी में लाइटर मिलना बहुत मुश्किल है. एक चम्मच ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा, डेढ़ चम्मच ऑयल. एक कड़ी पत्ता इसको तोड़ना इज लाइक अ सुपर सेटिस्फाइंग. ये देखो 1 2 3 बेबी. इसको कुछ तो बोलते हैं हिंग, मराठी में इसको हिंग बोलते हैं. तुम लोग में क्या बोलते हैं मुझे नो आइडिया, सॉरी मैन. और इसको हलद बोलते हैं और इसको इसको कुछ तो काला मिरी, काली मिरी नहीं, काला मिरी तो अलग होता है. इसको कुछ तो बोलते हैं यार, राई राई जाई जुई, इसको राई बोलते हैं शायद. इसको राई बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर इसको क्या बोलते हैं. तुम लोगों को पता है अपने इंडिया का खाना इतना ज्यादा ऑसम क्यों है? जस्ट बिकॉज हमारे पास तड़का है बेबी. पहले हम लोगों को ये डालना है काला मिरी और फिर ये चटकना चालू हो जाएगा. चटकना ही बोलते हैं शायद. और फिर हम लोग को इसके डालना है ये और इसके डालना है ये जो मैंने बोला था ना तुम लोगों को, इसको क्या बोलते हैं फिर से बोल गया मैं, हिंग. देयर वी गो, हिंग. हाँ चटकी चटकी आवाज आएगा चटकी. एक मिनट मैं मुंह ना डाल दूं इसके अंदर. इसको फुल फ्लेम पे मत करना नहीं तो ये जल बिल जाएगा, आग भी उड़ता है ऐसे. बहुत खतरनाक ये चीज, वेरी रिस्की. हाँ चटका चटका लो भाई, ये चटका. ओके चटका. अभी चटकने से पहले मेरे को यहाँ पे नमक डालना है. तो ये गया हमारा नमकी बॉय. सारा ही नमक डाल दो, इतना ही तो है. मैंने वड़ा पाव नहीं खाया 2 साल से बिकॉज मैं कुआ में था. उसके बाद मैंने मतलब कोविड भी था उसकी वजह से बाहर का नहीं खाना है. उसमें 2 साल हो गए मैंने वड़ा पाव नहीं खाया. इट्स लाइक सो पेनफुल. भाई घर पे मैं बना रहा हूँ जो जो चीजें मैं बाहर से खाता था पहले वो अभी 2 साल में सारी चीजें मैं घर में बनाया सीख गया और घर पे ही बनाता हूँ. और वो ऑलमोस्ट होती है
पर बटा अपना वड़ा बाहर खाने का मजा अलग है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तुम लोगों को अभी एक्सेसिबल नहीं होगा किसी स्टेट्स में अगर ऑफिशियल बटाटा वड़ा, तो दैट्स व्हाई तुम लोग बना सकते हो और इंस्टाग्राम पे टैग करना मुझे बनाने के बाद, और प्लीज बनाना। ये देखो इसको ग्रेविटी, साला न्यूटन की वजह से सारी चीजें भसड़ना जरूरी है। और अभी इसको मस्त सा मिक्स कर दो ताकि तुम लोग को बटाटे की भाजी मिल जाएगी। और इसके अंदर तुम लोग हल्दी डाल सकते हो, थोड़ा सा और स्मैश कर दो। दैट्स व्हाई मैंने बोला था ज्यादा स्मैश मत करना, बिकॉज अभी हम लोग इसको अच्छे से स्मैश करने वाले हैं। कि अभी इसका टेस्ट कर लो कि इसके नमक बराबर है क्या। कि नमक चेक करने के टाइम पे मैं आधी सब्जी खत्म कर दिया, थोड़ा सा नमक लगेगा, एकदम थोड़ा सा। अभी मस्त इसके बॉल बनाने हैं, जितने बना सकते हो उतने। अभी पता नहीं मैं कितने बनेंगे, मैंने तो प्लान किया था दो बनाने का। और इसको गोलम 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 गोल गोल, देयर वी गो, फर्स्ट इज डन। आई गेस दो ही बनाना इज गुड, ये तो चिंटू बनेगा बहुत ज्यादा। मैंने बहुत ज्यादा तेल डाला है तो पता क्या, अभी अभी वैसे भी दिवाली है तो मेरी मम्मी वैसे मुझे मम्मी को फोर्स करना है चकली बनाने के, बिकॉज मेरी मम्मी की चकली इज सो गुड, स्पाइसी और बहुत ज्यादा कुड़ुम 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 होती है। सो मे बी मैं बनाऊंगा तो उसका मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगा, उसका फूड व्लॉग स्पेसिफिक नहीं होगा, लाइक जो दिवाली का व्लॉग होगा उसके अंदर ही मैं घुसेड़ी दूंगा वो चकली वाला प्रोसीजर, जिसमें मैं चकली डाल रहा हूँ गोल 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 गोल। इसको गर्म कौन तेरा चाचा करेगा, एजी और टिंड्रिप कैसा गुंडा बनेगा ये बंदा, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना पसीना होने वाला है, पर अभी है स्टोरी टाइम, अभी तुम लोग स्टोरी सुन लो और वापस आ जाओ। मेरा जन्म होने से पहले मैंने वड़ा पाव खाया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब भी पृथ्वी पे जाना इज लाइक अ काइंड ऑफ कूल, बिकॉज मेरी मम्मी का एक्सपेक्टेड डेट था, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड डेट होता है ना कि डॉक्टर हम लोग को कुछ तो 9 महीने के बाद ऐसे देते कि इस तारीख को बच्चा पैदा होगा तुम लोगों का। मैं 14 अप्रैल को बॉर्न होने वाला था, सबको घर में ऐसे लग रहा था कि सीरियसली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होने वाले हैं फिर से एक बार, बिकॉज 14 अप्रैल को उनका भी बर्थडे होता है। सो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे वगैरह, पर मैं जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही था, बहुत ही ज्यादा मनुष्य और बहुत ही ज्यादा औसम। तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं बॉर्न नहीं होया भाई, मेरे को पैदा ही नहीं होना भाई, कोई ऐसे ऐसी बकवास वर्ल्ड के अंदर अपने को बॉर्न नहीं होना भाई। लिटरली मेरी मम्मी हॉस्पिटल में जाती थी और मैं बॉर्न ही नहीं हो रहा हूँ, आज नहीं हो रहा, ये निकल ही नहीं रहा बंदा निकल ही नहीं रहा। पर आखिरकार वो मनुष्य दिन आ गया, 18 अप्रैल। यस मैं मेरा बर्थडे भूल सकता हूँ, ओके कभी कभी होता है यार, कम ऑन मैन हो जाता है। तो 18 अप्रैल को शाम को 7 बजे के दौरान फिर मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि मुझे वड़ा पाव खाने का कैसे क्रेविंग होने लगा उसको, कि उसको लगेगा कि मुझे वड़ा पाव खाने का ऐसे फीलिंग आ रहा है, मुझे वड़ा पाव खाना है। तो मेरे मम्मी के पापा को बोला कि जल्दी से वड़ा पाव लेके आओ, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में हो रही थी, और जैसे ही मतलब राजमाता वड़ा पाव से मेरे पापा ने लाया, यहाँ पे थाना में ही है, वहाँ पे ही कहीं पे मैं बॉर्न हुआ, मुझे कभी तो जाना है मेरे जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ था एक्चुअली, देखने के लिए कैसे कहाँ पे एक्चुअली मेरा जन्म हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर। तो जैसे ही मम्मी ने फिर ऐसे 2-3 बाइट लिए वड़ा पाव के, और फिर वो 2-3 बाइट जब तक मेरे तक पहुंचे, ऐसे ही वो वड़ा पाव का टुकड़ा मेरे अंदर आया, आई वॉज लाइक डन बॉय, दिस इज द पाव, दिस इज द वड़ा, द अल्टीमेट पावर। और फिर मैं खसक बार बेबी, सच्ची बात है ये, बहुत लोगों को ये झूठ लग रहा होगा, ये सच्ची बात है कि जैसे ही जैसे ही मैंने 18 अप्रैल की वो शाम को वड़ा पाव कंज्यूम, मतलब मेरी मम्मी कंज्यूम किया था, उसके बाद मेरी मम्मी का डिलीवरी हो गया, उसके बाद तो सारी मुसीबत ही मुसीबत हो गई। जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरे पापा भी लाइक ये क्या मनुष्यत पैदा कर दी भाई, ये क्या है। सच्ची, ये एक सच्ची कहानी है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा सच्ची कहानी है, क्योंकि 14 अप्रैल को मेरा एक्सपेक्टेड डेट था, सबको ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होने वाला है, पर 18 अप्रैल को पैदा हो गया। मेरे को नहीं लेना है, मेरा अलग से जयंती मनाया जाएगा भाई, एसजीओ जयंती या फिर हितेश जयंती मनाया जाएगा। आगे जाके कुछ तो ऑसम ऐसा काम करूंगा कि 18 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉलीडे भाई, ड्राई डे भाई, नहीं ड्राई डे तो नहीं, बहुत सारे बेवड़े लोग मुझे गालियां देंगे, ओके ड्राई डे कैंसिल करते हैं, पर नोटों के ऊपर भाई मार्क बनने चाहिए, एसजीओ, ये गया एसजीओ मार्क, ये गया हितेश मार्क, ये गया एसजीओ के मम्मी का मार्क, ऐसे सब कुछ कमिंग सून मैन आएगा। देवा पांडुरंगा ये हो गया भाई, स्टोरी तो बताते रहेंगे, ये बहुत गर्म हो गया अभी तो। अभी इसको कैसे मैं शूट करूँ, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको एक हाथ से मैंने कभी किया नहीं है, पर मैं अभी आज करने वाला हूँ, बिकॉज आई से गोल गोल मस्त सभी जगह से ऐसे ऐसे घुमाने का, गोल गोल मस्त घुमा दिया,
और उसके बाद ऐसे निकालने का, इसको तोड़ना नहीं, इसको ऐसे उठाने का, इसको ऐसे 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 करने का, और देयर वी गो भाई साहब। ऐसे फेंको मत, प्लीज प्लीज फेंकना मत, आंखें पीके फोड़ दोगे। और मैं हाथ कैसे धोने वाला हूँ, मुझे समझ में आ रहा। ए भाई ओ भाई, इसको घुमाएगा कौन भाई, इसको कम करो भाई। अरे देवा, मैं सॉरी, मैं कम करना, धुआं निकल रहा है, धुआं, मिशन कश्मीर हो गया भाई यहाँ पे। धुआ 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 धुआ, कितना ही बहुत बड़ा बड़ा हो गया शायद। एक मिनट, कम कर देते हैं, अभी एकदम धीमी आंच पे इसको पकाना है, बहुत धुआं धुआं हो गया है। ओहो, वड़ा का फील आ रहा है तुम लोगों, मुझे, मैंने कभी किसी को बनाते हुए देखा नहीं है ना, और लाल चटनी वड़ा कैसे मैं हमेशा देखता था स्कूल से आते समय। इवन कभी कभी पैसे नहीं हुआ करते थे, ऑलमोस्ट कभी नहीं हुआ करते, मुझे मम्मी रोज के 2 रुपए देती थी, 2 रुपए सीरियसली, ऐसे कि जा, और क्योंकि मेरा स्कूल ऐसे यहाँ से, या इस खिड़की से मम्मी मुझे टाटा करती थी। मैं तुम लोगों को अभी स्टोरी बताऊंगा कि स्कूल में मैं कैसे जाया करता था और कैसे मैं यहाँ से मम्मी को उल्लू बनाया करता था, वो स्टोरी कमिंग सुन आएगा उसके बारे में। पर मम्मी मुझे 2 रुपए देती थी, और फिर मैं कॉलेज स्कूल से आता था ना, तब मैं चटनी पाव लेता था उस अंकल से, तो वो चटनी तो बनाई हुई होती थी ना, इसलिए मुझे कभी वो देखने को मिली नहीं। एक्चुअली मुझे फूड एक बार मैंने बनाते हुए किसी को देख लिया ना, तो मुझे वो जम जाता है थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल सैंडविच मैंने वैसे ही सीखा, मुझे मैंने ये देखा था कि वो बंदा काट नहीं रहा था, वो उसका ठेचा बना रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने इस बार, मतलब हमेशा मैं वड़ा पाव बनाते समय ठेचा बनाता हूँ, मिर्ची का और वो धनिया, वो सारी चीजें, और बाकी सारी रेसिपी वाले डायरेक्टली मिर्ची ही डाल देते हैं। सो मुंबई में जितने भी पॉपुलर वड़ा पाव है वो सारे मैंने खाए हैं, मुंबई और ठाणा के, तो मुझे पता है कि कभी भी मुझे जिंदगी में वड़ा पाव में से मिर्ची दांत के नीचे लगी नहीं है, तभी भी वो तीखा लगता है, मतलब वो कहीं से तो तीखापन आ रहा था ना, इसलिए मैंने वो क्रैक किया कि ये ठेचा डालते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सा भून सकते हैं, पर आई गेस अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। मैं इसको डबल फ्राई करने वाला हूँ, बिकॉज एक्चुअली वो लोग तो, उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है। और इसको निकालूँ कैसे अभी कहाँ पे, एक सॉरी, हमेशा की तरह सॉरी मम्मी, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने अगर चुगली किया ना साला मैं मर्डर कर दूंगा भाई, मेरे हाथों के नीचे खूनी का खून लिखा है, सो मैं कर सकता हूँ ऐसी सारी चीज़ें। एक मैं पहले इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देते हैं, इसको फटक से, आहा आहा, मस्त मस्त माल, मस्त माल, नाइस नाइस नाइस, ऐसे घुमाने का, ऐसे फिर से डालने का, ऐसे लेने का, और चप 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 चप, ऐसे सपर सपर सपर, एंड देयर वी गो। ओ माय गुडनेस, अभी मैंने तेल में हाथ डाल दिया होता, ये कैमरे से समझ में आता कि डेप्थ कितना है यार। आंखों का काम ना आंखों को ही जचता है हमेशा। इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि इतने टाइम तक तुम लोगों को इसको फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई करना है, इतना तो अभी तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, पर इसको स्लो आंच पे करना है, दैट विल बी नाइस, ताकि पूरे बटाटे को भी गर्माहट लगे, और फिर ऐसे ब्राउनिश वगैरह हो गया ना, के हो गया हमारा वड़ा इज रेडी। अभी उसको सिर्फ पाव के अंदर जाना है, फिर उसकी जिंदगी सफल, हमारी जिंदगी डबल सफल भाई साहब। बेसन का जो भूगा बनता है ना, ये इससे एक्चुअली वो चटनी बनती है। मैंने एक्चुअली बनाने की कोशिश की है, ऑब्वियसली मैं ऑब्सेस्ड हूँ खाने के साथ, तो मैंने बनाने की कोशिश की है एक्चुअली इसके साथ, पर मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली बन जाती है, और उनकी बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी होती है। तो अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे बनाते हैं ये। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है पर, और उसको देख के बनाया भी है, पर अभी तक वो मैच नहीं कर पाया किसी दुकान वाले के साथ। सो पता नहीं, यूट्यूब से कितना भी सीखो, असली दुकान वाला जो चीज़ें बनाता है ना वो कुछ सीक्रेट रेसिपी रखता है पक्का, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैंने सैंडविच का सीक्रेट रेसिपी तुम लोगों को दिया है जो किसी ने नहीं दिया है, तो तुम लोग वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड्स में होगा। और अभी तुम लोगों को वड़ा पाव का भी ऑलमोस्ट सीक्रेट मिल चुका है, सिर्फ चटनी का सीक्रेट नहीं पता, मुझे डबल फ्राई का प्रोसीजर नहीं पता कि एक्चुअली साइंटिफिकली क्या होता है, पर मैं तेज आंच पे एक बार डाल देता हूँ हमेशा, डन 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 डन, ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो करप जाएगा, कड़वा लगेगा। एक्चुअली टिश्यू पेपर है, एज ऑलवेज मैं भूल गया हूँ, द अल्टीमेट माइंडकाइंड पावर, इसको ऐसे मस्त तोड़ने का दोनों तरफ से, फिर ऐसे खुल जाता है गड्ढे से। ये बना ही वड़ा पाव के लिए यार, बना ही वड़ा पाव के लिए, और फिर उसके अंदर ये ऐसे वड़ा डालने का। एक्चुअली मैंने चटनी बनाई नहीं है, मैंने ये ली है,
मैं डाल रहा हूँ जस्ट इन केस, पर चटनियां हम लोगों को सीखनी पड़ेगी यार, और क्योंकि तीखे के लिए मैं जो बचा कुचा थोड़ा सा ठेसा है ना मेरे पास वो डालने वाला हूँ। तो वड़ा पाओ, एक मिनट ड्रोन शॉट। पीछे से देखो, पीछे से देखो, तोड़ा नहीं है, मस्त एकदम माल भाई। This is the ultimate champion, the वड़ा पाव boy. एक मिनट स्क्रीनशॉट। अगर YouTube चला नहीं तो अपुन वड़ा पाव ही बनाएगा भाई। वड़ा पाव आने खाने के लिए एड्रेस लिख लो नीचे। अरे क्या स्मेल आ रहा है, बहुत awesome। मुझे खाना पड़ेगा, एक मिनट पहले मुझे खाना पड़ेगा नहीं तो तुम रो दोगे। वड़ा इज हियर, अभी मैं 2 साल के बाद वड़ा पाव खाने वाला हूँ। तो 1 2 3 जय हो। It's so good. ये चटनी is so good. Okay. मैं फिर से बॉर्न हो, इसलिए मैं रो दूंगा, मैं फिर से बॉर्न हो गया वैसे लग रहा है मुझे। एक्चुअली ये पाव की वजह से ही इतना ज्यादा ऑसम हो जाता है यार। ये महंगे वड़ा पाव लेके कुछ फायदा नहीं है भाई, असली मजा 15 रुपए के वड़ा पाव में ही है। 400 ग्राम सब्सक्राइबर, 0.5 किलो सब्सक्राइबर के पास जल्दी ही पहुंचने वाले हम लोग, तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। सुपर डुपर ऑसम। मजा